गुड इवनिंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएन क्लासेस। फ्रेंड्स आज का वीडियो बाल विकास पर केंद्रित है और बाल विकास में स्पेशली जो हम लोग चर्चा कर रहे थे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की, जिसमें हमने शैशवावस्था बाल्यावस्था की चर्चा कर ली है, आज चर्चा करना है किशोरावस्था की। फ्रेंड्स इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो विद्वानों ने कहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे बाल विकास यानी कि किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं किशोरावस्था। फ्रेंड्स अगर किशोरावस्था की बात करें तो आप याद रखिएगा ये जो किशोरावस्था है ये किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद की और प्रौढ़ावस्था के पहले की अवस्था है। यानी ये जो आपका किशोरावस्था है वो किसके बाद की अवस्था है, बाल्यावस्था और परिपक्व अवस्था यानी प्रौढ़ा या परिपक्व अवस्था के पहले की अवस्था है। तो आप याद रखिएगा इसको पूर्व प्रौढ़ावस्था या पूर्व परिपक्व अवस्था भी कहा जाता है। इसको जो टाइम पीरियड इसकी रखी गई है वो रखी गई है 12 से 18 साल। कुछ विद्वान 12 से 19 वर्ष भी मानते हैं कि किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष तक होती है और कुछ का ऐसा भी मानना है कि किशोरावस्था लगभग 22 वर्ष तक चलती है। लेकिन फ्रेंड्स जो सर्वमान्य एज है वो यही है कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मिलती है। ये जो किशोरावस्था है किशोरावस्था को फ्रेंड्स अंग्रेजी में बोलते हैं एडोलसेंस, ADOLSENCE, एडोलसेंस बोलते हैं। और ये जो एडोलसेंस शब्द है ये लैटिन शब्द एडोलसियर से बना हुआ है, निकला हुआ है किससे फ्रेंड्स, एडोलसियर से बना हुआ है एडोलसियर। ये जो आपका किशोरावस्था है वो एडोलसेंस से बना हुआ है, एडोलसेंस का हिंदी रूपांतर है और ये एडोलसेंस शब्द लैटिन शब्द एडोलसियर से निकला हुआ है। एडोलसियर का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे आगे बढ़ना यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, किसकी ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब अगर इसका अर्थ आपसे पूछा जाए कि किशोरावस्था का मतलब क्या होता है तो किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है जो प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है। फ्रेंड्स इससे पूछा क्या जाएगा आपसे, इससे ये नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे टाइम पीरियड पूछ ले कि 12 से 18 वर्ष इसकी एज होती है और हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि एडोलसियर यानी किशोरावस्था का जो अंग्रेजी शब्द है एडोलसेंस वो किस शब्द से निकला है, तो अंग्रेजी वर्ड सॉरी लैटिन वर्ड एडोलसियर से निकला है, हो सकता है आपसे पूछ ले। अब आइए इस किशोरावस्था के बारे में कुछ तत्व है, कुछ फैक्ट्स है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर पहले फैक्ट्स की बात करें फ्रेंड्स तो स्टिल्ली हाल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप टेट हो सुपर टेट हो किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे आप देखिएगा वहां पर स्टिल्ली हाल की ये परिभाषा दी गई है, कई बार इसकी रिपीटेशन हुई है। क्या है, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान व विरोध की अवस्था है। मतलब इनका क्या कहना है स्टिल्ली हाल साहब का कि जो किशोरावस्था है वो बड़े ही संघर्ष की अवस्था है, मतलब इस उम्र के बालक किशोरावस्था बालक बड़ा ही संघर्ष करते हैं, तनाव इसमें अकस्मात तनाव आता है, अचानक तनाव इसमें आ जाता है और तूफान व विरोध मतलब इसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, व्यक्ति को क्रोध आता है, व्यक्ति एकदम से इधर उधर किसी से भी झगड़ने के लिए तैयार होता है, मतलब ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होता है। तो इस परिभाषा को आप याद रखिएगा कि स्टिल्ली हाल ने क्या कहा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान व विरोध की अवस्था है। स्टिल्ली हाल की दूसरी परिभाषा भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में जो मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। उनका क्या कहना है कि वास्तव में व्यक्ति में जो भी शारीरिक परिवर्तन जैसे दाढ़ी मूछ का जाना होता है या किशोरियों में स्तन का विकास स्तन का विकास होता है या जितने प्रकार के परिवर्तन वहां पर आप देखते हैं, वाणी का मोटा होना वाणी का पतला होना, ये जितने भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते हैं वो एकाएक होते हैं, अकस्मात होते हैं, ऐसा मानना है किसका, स्टिल्ली हाल महोदय का। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर क्रो एवं क्रो ने कहा है कि किशोर युवा वर्तमान युग की ऊर्जा और भविष्य की आशा उपस्थित करता है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस अवस्था के बालक वर्तमान युग की ऊर्जा और भविष्य की आशा उपस्थित करता है, या कई बार इसको तोड़ के भी पूछ सकता है कि किसका कथन है कि किशोर भविष्य की आशा उपस्थित करता है, या कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि किशोर युवा वर्तमान युग की ऊर्जा है, यह कथन किसका है।
तो कभी कभी इसको जोड़ के पूछ सकता है, इसको अलग करके भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्रो एवं क्रो की परिभाषा है जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर बात करें कोल एवं ब्रूस का, कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा, किशोरावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अगर आपसे कोई पूछता है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, संवेगात्मक यानी संवेगात्मक विकास इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपका हो जाएगा किशोरावस्था। किसने कहा है, कोल एवं ब्रूस ने कहा है, ये भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट वैलेंटाइन साहब का है। वैलेंटाइन ने क्या कहा, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। फ्रेंड्स वैलेंटाइन साहब का ये कहना है कि जो किशोरावस्था होता है उसमें बालक में अपराध की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, मतलब वह अपराध की दुनिया की ओर आगे बढ़ जाता है। जैसे किसी का मर्डर कर देना, किसी का किसी की वस्तुएं चोरी कर चुरा लेना, तमाम सारे अपराध कर देता है इसमें। और फिर विषम लिंगी के प्रति जो आकर्षण होता है उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आप क्राइम की ओर बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी ये वैलेंटाइन साहब का कहना है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, मतलब वह समय है जिसमें अपराध प्रवृत्ति की ज्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट जो आपका है वो भी वैलेंटाइन साहब ने कहा है, क्या कहा है कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। मतलब ये ऐसी अवस्था होती है किशोरावस्था जिसमें किशोर व्यक्तिगत मित्र बनाता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट बात करें अगर किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, आपसे पूछ लेगा किस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। फ्रेंड्स वो किशोरावस्था है किसके अनुसार है, तो आप याद रखिएगा इसमें जोन्स, रास एवं एरिक्सन इन तीनों का कहना है। वास्तव में ये जो वक्तव्य है ये जोन्स साहब का है। किसका है, जोन्स का है। मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको जोन्स दे दिया तो आप ऑप्शन में जोन्स ठीक करेंगे, अगर जोन्स नहीं है रास है तो आप रास ठीक करेंगे, अगर जोन्स और रास दोनों नहीं है एरिक्सन है तो एरिक्सन ठीक करेंगे, और अगर मान लीजिए तीनों दिया है जोन्स रास एवं एरिक्सन तो आप तीनों को टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि रास साहब का कथन है, जोन्स साहब का कथन है, और इस जोन्स साहब के कथन को रास और एरिक्सन दोनों ने समर्थन दिया है। तो इसलिए कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब बात करें अगर रास की, तो रास ने फिर क्या कहा है, रास ने कहा है किशोरावस्था समाज सेवा की आदर्श उपस्थिति करने की अवस्था है। क्या करना कह रहे हैं, किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जो हमेशा समाज सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। ठीक, ये कहना किसका है, ये रास महोदय कहना है कि ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक समाज सेवा करता है और समाज सेवा करने के आदर्श को भी उपस्थित करता है। नेक्स्ट बात अगर जर्सील की करें, तो जर्सील ने क्या कहा है, जर्सील ने कहा है किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था होती है। मतलब ऐसी अवस्था होती है किशोरावस्था जिसमें बालक परिपक्व अवस्था की ओर उन्मुख होता है, चाहे वो संवेगात्मक विकास की ओर हो, चाहे वो मानसिक विकास की परिपक्वता हो, चाहे शारीरिक विकास की परिपक्वता हो, चाहे वो समायोजन करने की अवस्था हो, मतलब हर प्रकार की परिस्थितियां जो होती हैं उसमें परिपक्वता आती है, ऐसा जर्सिल महोदय का कहना है। नेक्स्ट आपका स्क्लेयर महोदय का है। स्क्लेयर ने क्या कहा, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। इन्होंने क्या बोला कि जो ये अवस्था होती है किशोरावस्था, इसमें बालक जो किशोर होता है वह निर्णय नहीं कर पाता है, मतलब होता है कि वह वहां पोह की स्थिति में होता है और इसीलिए उसमें निर्णय करने का अनुभव नहीं होता है, क्षमता नहीं होता है। नेक्स्ट आशुविल आपका है, और आशुविल ने क्या कहा, कहा किशोरावस्था जैविक एवं सामाजिक स्थिति में संक्रमण काल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वह कौन सी अवस्था है जो जैविक एवं सामाजिक का संक्रमण काल होता है, वो किशोरावस्था होता है। या आपसे पूछ लेगा किस विद्वान ने किशोरावस्था को जैविक एवं सामाजिक स्थिति में संक्रमण काल कहा है, तो आपको उत्तर देना होगा आशुविल ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा, संक्रमण का मतलब होता है ऐसा काल जिसमें दोनों गुण यानी जैविक गुण भी हो और सामाजिक गुण भी उसमें मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण काल, यानी दोनों के बीच की स्थिति, ठीक, उसको हम बोलते हैं संक्रमण काल। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि काल्सनिक महोदय ने क्या कहा है, काल्सनिक ने कहा है कि जिस प्रकार शैशवावस्था बाल्यावस्था की पूर्ववर्ती होती है उसी प्रकार से किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था की। ये तो सही बात है कि जैसे बाल्यावस्था के पहले शैशवावस्था आती है वैसे प्रौढ़ावस्था के पहले किशोरावस्था आती है। फिर क्या कहा उन्होंने, बोले यह एक नए युग की शुरुआत होती है। काल्सनिक ने किस अवस्था को नए युग की शुरुआत माना है, किशोरावस्था को माना है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि काल्सनिक ने किस अवस्था को दूसरा जन्म माना है, किशोरावस्था को माना है। तो इनके अनुसार क्या कहा इन्होंने, बोला कि जो शैशवावस्था होती है वो बाल्यावस्था की पूर्ववर्ती होती है, उसी प्रकार से किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था की पूर्ववर्ती होती है, या नए युग की शुरुआत होती है, एक प्रकार से दूसरा जन्म होता है। मतलब जो किशोरावस्था होता है वो नए युग की शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि वास्तव में इसी उम्र के बाद बालक हमेशा अपने आप को निर्मित करता है, अपने आप को प्रतिस्थापित करता है एक सामाजिक प्राणी के रूप में,
एक आदर्श प्राणी के रूप में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण फैक्ट है किशोरावस्था के बारे में। अब चर्चा हम कर लेते हैं किसकी, अब चर्चा करते हैं यहाँ पर हम बाल विकास सॉरी किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपके फैक्ट महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से इसकी विशेषता भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको जानना अनिवार्य है। और तो इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। ये विशेषताएं भी आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और इनकी चर्चा करें अगर तो जो पहला इसका पहली विशेषता है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, जीवन का सबसे कठिन काल। और फ्रेंड्स किस विद्वान ने इस किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है, तो आप याद रखिएगा किलपैट्रिक ने कहा है। क्या कहा है? किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किलपैट्रिक याद रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर लाइट पड़ रही हो, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, लेकिन जीवन का सबसे कठिन काल अगर पूछेगा किस विद्वान ने माना है, तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने माना है। किलपैट्रिक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इधर, क्या किलपैट्रिक यहाँ देखिएगा किलपैट्रिक। क्यों माना है फ्रेंड्स जीवन का सबसे कठिन काल? क्योंकि आप याद रखिएगा जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो अचानक आ जाती हैं। किशोरावस्था में बच्चा कभी सोच नहीं पाता है कि हमारे सामने ये समस्याएं कैसे आ जाती हैं। जैसे कुछ हार्मोनल्स प्रॉब्लम भी होते हैं, कुछ हार्मोनल परिवर्तन भी होती हैं। ठीक है, जिसके वजह से कि किशोर को स्वयं को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, खास करके जैसे विषम लिंगी आकर्षण की बात यहाँ पर हो रही है। व्यक्ति तमाम ऐसे निर्णय ले लेता है जो अचानक आवेश में आता है, मतलब होता है कि सोच समझ करके नहीं करता है, अचानक करता है। उसके सामने बहुत सारी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिसमें जिसका सामना करना उसके लिए बड़ी, या जिसका समाधान करना उसके लिए एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है एक क्रम से उसके सामने। तो फ्रेंड्स ऐसे तमाम सारे समस्याएं, तमाम सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसका समाधान करना किशोर के लिए टेढ़ी खीर होता है। और इसीलिए किलपैट्रिक ने माना है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अगर उस अवस्था को व्यक्ति ने अपने आप को संयमित कर लिया, अपने आप को अगर संवार लिया, तो फिर जो व्यक्ति का जीवन होता है वो बहुत ही सुखमय होता है और एक सफल जीवन की ओर उन्मुख होता है। लेकिन अगर वह अपने आप को संवार नहीं पाया, अपने इंद्रियों पर अगर वह काबू नहीं कर पाया, अपने भावनाओं पर अगर वह काबू नहीं कर पाया, अपने संवेगों को अगर वह नियंत्रित नहीं कर पाया, तो फिर उसका जीवन एकदम से बिखर जाता है। शायद इसीलिए किलपैट्रिक ने जो है जीवन का सबसे कठिन काल माना है, और शायद इसीलिए स्टेनली हाल ने भी इसे तनाव संघर्ष और तूफान की अवस्था माना है। फ्रेंड्स दूसरा जो यहाँ पर है तीव्र शारीरिक परिवर्तन, ये जो आपका किशोरावस्था है, किशोरावस्था विकास के दृष्टिकोण से, हर विकास के दृष्टिकोण से अभी आप इसमें देखिएगा, न केवल शारीरिक विकास की बात हो रही है बल्कि मानसिक विकास की बात भी आएगी यहाँ पर, संवेगात्मक विकास की भी बात आएगी। मतलब जितने भी विकास की अवस्था है यहाँ पर, जितने भी विकास है, चाहे वो शैशव अवस्था की बात हो, चाहे बाल्यावस्था की बात हो, हर अवस्था से कहीं अधिक विकास इस किशोरावस्था में होता है। और आप देखिएगा कि बाल्यावस्था में आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा या तो मैंने ही आपको बताया होगा, उसमें क्या होता है कि जो आपका शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में विकास की हर अवस्था तीव्र होती है। मतलब होती है कि चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, हर प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं वो तेज होती है। और खास करके बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में जो विकास की गति होती है वो तेज होती है। लेकिन एक बार पुनः जब बाल्यावस्था में बालक और बालिकाएं प्रवेश करती हैं तो ये विकास उत्क्रमित हो जाता है, विकास क्रम उत्क्रमित हो जाता है। मतलब बालिकाओं में विकास तेज गति से होता है और बालकों में विकास एकदम से अवरुद्ध तो नहीं होता है, लेकिन काफी कम हो जाता है बालिकाओं की तुलना में। लेकिन जब किशोरावस्था आता है तो किशोरावस्था में फिर से बालक और बालिकाओं की विकास की तेज होती है, लेकिन बालिकाओं की अपेक्षा किशोरियों की अपेक्षा जो किशोरों में विकास की गति है वो कहीं अधिक तेज होती है। तो फ्रेंड्स तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसे आप देखें यहाँ पर क्या होता है कि पहले शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं में विशेष अंतर स्थापित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति या बालक और बालिकाएं किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं, उनमें तमाम आमूलचूल परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन किसकी वजह से होता है, आप बोलेंगे हार्मोन्स की वजह से होता है। बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव होता है जो व्यक्ति में स्वाभाविक लक्षण उत्पन्न करते हैं, है ना। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कैसे अगर पुरुष है तो पुरुषों में दाढ़ी मूछ की समस्या आ जाती है, दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसे
हम कह सकते हैं कि प्राइवेट जो अंग होते हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जनन क्रियाओं से संबंधित कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसका स्राव बड़े तेजी से होता है। इस प्रकार से उनके पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन होता है, चाहे वो किशोर हो चाहे वो किशोरी हो, दोनों में परिवर्तन होता है। और किशोरावस्था में उसका परिलक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर कल्पना एवं दिवास्वप्न की बहुलता, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कल्पना एवं दिवास्वप्न की बहुलता। इस ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा क्या होता है, जिसमें किशोर क्या होता है, दिवास्वप्न देखता है। आपने याद रखा होगा कि आपने जब शैशवावस्था पढ़ा था, तो शैशवावस्था में आपने देखा था कि उसमें कल्पना में विचरण करता था शिशु। क्यों? क्योंकि उसे वास्तविक जगत का ज्ञान नहीं था, इसलिए हमेशा वो कल्पनाओं में भ्रमण करता था। किशोरावस्था में क्या है, किशोरावस्था में किशोर वास्तविकता से परिचित होता है, लेकिन फिर भी वह दिवास्वप्न में देखता है। दिवास्वप्न का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके सामने से कोई आईपीएस या आईएएस गुजर जाए, आप उसकी शक्ति को, उसके ठाठ बाट को देख करके आप तुरंत इमेजिन करना शुरू कर देते हो कि काश मैं भी अगर ऐसा होता। आप तमाम सारी कल्पनाएं करना शुरू कर देते हो बैठे बैठे। आप प्रधानमंत्री को देखते हैं अगर वहां पर, तो आपको लगता है काश मैं भी प्रधानमंत्री होता। आप भी उसी प्रकार की कल्पनाएं करना शुरू कर देते हो कि मैं प्रधानमंत्री होता हूं। मतलब बहुत सारी कल्पनाएं या बहुत सारी जो हम कह सकते हैं कि स्वप्न है, दिवा स्वप्न है, वो किशोर देखना शुरू कर देता है। और इसीलिए कल्पना एवं दिवा स्वप्न की बहुलता इस उम्र की या इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इस बात को आप याद रखेगा। बात अगर करें नेक्स्ट विशेषता की, तो यहाँ पर है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। फ्रेंड्स, यह वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा हमेशा अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि उसके ऊपर निर्भरता नहीं होती है, उसका कोई भी डिसीजन होता है उसको लगता है कि जो भी डिसीजन हो वो मेरे द्वारा हो, मेरे खुद का डिसीजन हो, कोई भी कार्य अगर हो तो मेरे अनुसार हो, मेरे द्वारा किया जाए, या मैं जो भी कहूँ उस पर सब लोग सम्मत हों। ये सारी बातें आती हैं। उसे किसी दूसरे या किसी सामने वाले के अधीन रहकर कार्य करना पसंद नहीं होता है, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि वो माता पिता से भी, अपने बड़े भाइयों से, या जहां पर भी वह काम करता है अपने सीनियर से भी क्या करता है, विद्रोह कर देता है। विद्रोह का मतलब उनसे वाद विवाद करता है, उनसे झगड़ा कर लेता है और झगड़ा करके चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका दिया है कि स्वतंत्रता, इस उम्र में बच्चा या किशोर स्वतंत्र होना चाहता है कि मैं अपने आप इंडिपेंडेंट रहूं, मेरे ऊपर किसी की बात ना हो। और दूसरी बात है कि विद्रोह की भावना भी इस उम्र की या इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट बात करें तो ईश्वर और धर्म में आस्था। इस अवस्था में किशोर और किशोरी दोनों में ही धार्मिक गुण आ जाते हैं, धार्मिक गुण विद्वान होते हैं। और इसी नैतिक और धार्मिक गुणों की वजह से होता क्या है कि चाहे किशोर हो या किशोरी, वो सुबह उठ करके पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, मंदिरों में जाना शुरू कर देता है, मंदिरों में मत्था टेकना शुरू कर देता है। मतलब धर्म और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बढ़ जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वह पूजा अर्चना इत्यादि में लग जाता है। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट बात करें विशेषता की, तो यहाँ पर है स्थिरता व समायोजन का अभाव। मेति होता क्या है कि चूंकि इसमें आमूलचूल परिवर्तन अकस्मात होते हैं, और यही कारण है कि व्यक्ति स्थिर नहीं होता है, उसका मन हमेशा अस्थिर होता है। मतलब कभी इस ओर, जैसे सपोज मान लीजिए होता क्या है कि आपने इंटर पास कर लिया, इंटर पास करने के बाद आपको निश्चित करना होता है कि हम किधर जाएं, हम साइंस विंग्स में जाएं, इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, हम आईएएस आईपीएस करके करने के लिए ग्रेजुएशन करें, तमाम सारी बात। तो उसमें क्या होता है कि इसमें बालक में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा कुछ समय अगर इंजीनियर के बारे में देखता है कि इंजीनियर बड़ा अच्छा है, इसमें बड़ा पैसा है, तो इंजीनियर बनना चाहेगा। कभी वो डॉक्टर के बारे में सोचता है तो डॉक्टर बनने का प्रयास करता है कि नहीं, हमें डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन कभी अगर वो आईएएस आईपीएस को देखता है तो उसके मन में फिर ये आता है कि नहीं, हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, ये लाइन ज्यादा बेहतर है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उसका जो निर्णय होता है वो निर्णय नहीं ले पाता है, बल्कि हमेशा उसका जो डिसीजन होता है वो बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें अस्थिरता होती है, इसमें स्थिरता नहीं होती है, उसके विचारों में अस्थिरता होती है और उसमें निर्णय का अभाव होता है, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है किशोर अवस्था में। तो ये भी आप इसे याद रखेगा। नेक्स्ट बात अगर करें, दूसरी बात यहाँ पर मैंने कहा समायोजन। समायोजन क्या है फ्रेंड्स? तो समायोजन का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि व्यक्ति इस उम्र में, इस अवस्था में, किशोरावस्था में समायोजन नहीं कर पाता है। समायोजन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एसी रूम में अगर रहना है, सारी सुख सुविधाओं में आपको रहना है, और फिर अगर उसे किसी अन्य स्थान में भेज दिया जाए जहां पर ये सारी सुविधाएं ना हो, तो शायद वहां पर वो समायोजन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अभी परिपक्व नहीं बनता है बालक, और इसी कारण ये होता है कि उसमें समायोजन की शक्ति भी नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से वह वहां से हट जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें, अगर नेक्स्ट विशेषता की बात करें, तो यहाँ पर अपराध की प्रवृत्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पर। क्या? अपराध की प्रवृत्ति। आप याद रखिएगा, किशोरावस्था में अपराध की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है?
क्योंकि हमने आपसे बोला कि अभी इसकी एक विशेषता आप देखें, उसमें दिया है विषमलिंगी भावना का विकास, विषमलिंगी आकर्षण। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं जगने लगती है, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं जगती है। अब अगर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना है, जैसे इसमें दोस्ती भी अच्छे अच्छे लोगों से बनती है, ये स्कूल का टाइम खत्म होता है जब बच्चा इंटर के बाद निकलता है तो कॉलेज पीरियड में प्रवेश करता है, जब कॉलेज में अगर जाता है, कॉलेज में आता है, हम कह सकते हैं कि अब इंटर में ही 11 12 में 10 9 10 में जाता है, तो उसमें क्या चीज आपको दिखाई पड़ती है, वहां पर सब स्कूल कॉलेज की बात होती है, कॉलेज के बाद फिर डिग्री कॉलेज की बात होती है, तो उसके तमाम सारे दोस्त यार ऐसे होते हैं जो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके समकक्ष बनने के लिए बच्चे में तमाम सारी महत्वाकांक्षाएं रखती हैं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वह प्रयास भी करता है। तो अगर सही रास्ते से उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो फिर ऐसी कंडीशन में वह गलत रास्ते का सहारा लेता है और गलत रास्ते की ओर बढ़ जाता है। तो यही जो गलत रास्ता है, यही जो महत्वाकांक्षा उसकी है, वह उसे अपराध की ओर धकेलता है, अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि उस उम्र में यानी कि किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं उनमें अपराध की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और यह अपराध का बहुत ही नाजुक समय होता है, अभी एक विद्वान ने आपको बताया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात अगर करें मानसिक व बौद्धिक विकास की तीव्रता, आप याद रखिएगा कि इसमें केवल शारीरिक विकास की तीव्रता नहीं होती है, इसमें बौद्धिक और मानसिक विकास की तीव्रता भी होती है। मतलब इस उम्र में किशोर कोई काम थोड़ा सोचता विचारता है, उसे भौतिकता के बारे में नॉलेज हो जाता है कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक क्या है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, तमाम सारी चीजें ऐसा होती है जिसके लिए वह तर्क वितर्क करना शुरू करता है, चिंतन मनन करना शुरू करता है और फिर उसके बाद ही वह कोई काम करता है। तो फ्रेंड्स इसमें मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास की तीव्रता भी उसमें होती है और शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होते हैं। साथ ही साथ तीव्र संवेगात्मक विकास, इसमें संवेगात्मक विकास भी तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि जब संवेग आप पढ़ रहे थे कि संवेग का विकास दो प्रकार से होता है, एक तो संवेग जन्मजात होते हैं जो जन्म से आते हैं और जो जन्मजात संवेग होते हैं वो बड़े ही कम होते हैं। और मैंने बोला था कि वाटसन साहब ने केवल तीन ही संवेग माना था कि बच्चा जन्म के समय लेकर आता है, कौन कौन लेकर आता है, उसमें एक होता है भय, एक होता है प्रेम और एक होता है क्रोध। केवल तीन संवेग माना है वाटसन ने कि एक बच्चे में जन्मजात तीन संवेग होते हैं। दूसरा संवेग कैसे विकसित होता है, वो होता है परिस्थितिजन्य, अर्थात जैसे जैसे हमारे सामने परिस्थितियां निर्मित होती हैं वैसे वैसे हमें संवेग भी उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स किशोरावस्था चूंकि सामाजिक हो जाती है, ये अवस्था ऐसी है जो सामाजिक होती है, मतलब इस अवस्था में बालक तमाम सारे लोगों के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह लोगों के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वह नई नई परिस्थितियों से रूबरू होता है और जैसे जैसे उसके सामने नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती है वैसे वैसे उसमें संवेगात्मक विकास भी उसी गति से तीव्र होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इस अवस्था में न केवल शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और संवेगात्मक विकास भी तीव्र होता है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर है वीर पूजा की भावना। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के अंदर वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा का मतलब क्या होता है, तो बच्चा हमेशा उसी का अनुसरण करना चाहता है, हमेशा उसी के अनुरूप बनना चाहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है या कोई पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी है या कोई सेना का जवान है, अगर वह देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो बच्चे के अंदर ये भावना आती है कि यार मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं, मैं भी उस समाज का आदर्श व्यक्ति है तो मैं भी उसके अनुरूप आचरण करूं ताकि मैं भी समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकूं। तो मतलब यहाँ पर होता है कि व्यक्ति जो होता है इस समय किशोर जो होता है उसमें वीर पुरुष या आदर्श पुरुष समाज के आदर्श लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव होता है और साथ ही साथ वह उस आदर्श पुरुष का अनुकरण करना चाहेगा, अनुसरण करना चाहेगा और उसी के अनुरूप बनने का प्रयास करता है। नेक्स्ट बात करें अगर सामाजिक भावना का विकास, तो फ्रेंड याद रखिएगा मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसी अवस्था होती है जब बालक व्यक्तिगत नहीं रह जाता है ना, बल्कि वह घर से बाहर निकलता है, वह किसी के बंधन के अधीन नहीं रहना चाहता है, वह स्वतंत्र रहना चाहता है और ऐसी कंडीशन में वह लोगों के संपर्क में आता है। लोगों के संपर्क में आता है तो ये लोगों के संपर्क में आना क्या है, लोगों के संपर्क में आना उस ही सामाजिकता है, सामाजिक भावना है, सामाजिक भावना का विकास है। तो व्यक्ति जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आता है, जैसे जैसे अन्य लोगों के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसके अंदर नैतिक गुण संपन्न होते हैं, उसके अंदर सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं और यही सामाजिक और नैतिक मूल्य उसमें सामाजिक विकास की प्रवृत्ति को पैदा करता है, सामाजिक विकास की भावना का विकास करता है। फ्रेंड्स यही कारण है कि इस उम्र में बच्चा हमेशा दूसरे की हेल्प करना चाहता है, इस उम्र में बच्चा क्या करता है कि उसके अंदर सहानुभूति की भावना आ जाती है, उसके अंदर दया करुणा की भावना आ जाती है और अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम करने वाले के प्रति आक्रोश और विद्रोह की बात भी उसके अंदर आ जाती है, जिस कारण वह क्या करता है उसकी मतलब सामने वाले का विरोध करता है, उसके गलत नीतियों का विरोध करता है।
तो ये सारी चीजें जो आती है वो सामाजिक भावना के विकास के अंतर्गत आती है, जो किशोरावस्था की विशेषता है। फ्रेंड्स अगर बात करें सामूहिक समूह की प्रवृत्ति, आप याद रखेगा समूह की प्रवृत्ति जो होती है वो बाल्यावस्था की भी विशेषता होती है। शैशवावस्था में तो समूह की भावना नहीं होती है, लेकिन बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति होती है। लेकिन इस उम्र में बालक समलिंगी लोगों के समूह या बालकों के समूह का निर्माण करता है। इस उम्र में क्या होता है, इस उम्र में बालक न केवल समलिंगी लोगों के समूह का निर्माण करता है बल्कि विषमलिंगी लोगों के समूह संपर्क और समूह में भी रहता है। तो किशोरावस्था में एक किशोर समूह में रहना पसंद करता है, वह दोस्ती यारी बनाता है, वह संगठन बनाता है और संगठन या समूह का गठन करता है और फिर वह नए कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये समूह की प्रवृत्ति भी आपका जो किशोरावस्था है उसकी एक विशेषता होती है। अगर नेक्स्ट बात करें तो है विषमलिंगी आकर्षण। मैंने अभी जस्ट बताया आपसे कि इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है, मतलब विपरीत लिंग के प्रति अगर लड़का है तो लड़की के प्रति और लड़की है तो लड़का के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है और साथ ही साथ उसमें काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति भी होती है। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा फ्रायड ने शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति का विकास माना है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस उम्र में काम प्रवृत्ति तो पाई जाती है लेकिन बालक या शिशु उसकी अभिव्यक्ति नहीं करता है। लेकिन किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति का विकास भी होता है, काम भावना भी पाई जाती है विषमलिंगी के प्रति और उसकी अभिव्यक्ति भी होती है। तो आप याद रखा फ्रेंड्स ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो किशोरावस्था में पाई जाती हैं और इसको आपको हूबहू रटना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली यही विशेषता पूछता है कि कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था की में पाई जाती है आदि आदि, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसको मानव जीवन का बसंत काल कहा जाता है। फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, आप कहेंगे मानव जीवन का बसंत काल, जीवन का बसंत काल। जैसे बसंत ऋतुओं का राजा होता है उसी प्रकार से मानव जीवन की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में सबसे अनोखा, सबसे आदर्श और सबसे सुंदरतम जो काल होता है वो क्या होता है, वो आपका किशोरावस्था होता है। तो किशोरावस्था को मानव जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे तो आप इसका आंसर जानते रहेगा। फ्रेंड्स तो ये रहा आपका किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की परिभाषाएं क्या है, किशोरावस्था के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसको भी दिखाया गया और लास्ट में किशोरावस्था की विशेषताओं को भी आपको बताया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की जो आपके टेट और सीटेट के लिए जरूरी है, सुपर टेट के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो बेहतर लगा हो, आपके उसमें तैयारी में अगर ये हेल्पफुल हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट हमेशा आप तक पहुंचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।